नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों प्री प्री एग्जाम 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 देने के बाद में में मेंस का और प्री में जो प्लान था वो प्लान मेंस में काम आएगा या नहीं आएगा क्योंकि इंतजार जो था पाठ्यक्रम का और पाठ्यक्रम जब जारी हुआ तो ऐसा लगा कि इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं किया गया और वैसे उम्मीद तो थो थी थोड़ी बदलाव की मुझे भी ऐसा लगा था कि पाठ्यक्रम के अंदर बदलाव होगा क्योंकि पटवार प्री और पटवार मेंस में पाठ्यक्रम में बदलाव था तो इनके द्वारा पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया लेकिन थोड़ा प्लान चेंज किया गया है अब प्लान में क्या क्या चेंज किया गया है हमें किस तरह से पढ़ना है कैसे तैयारी करनी है प्री में पास होने के बाद में देखिए प्री के अंदर मैंने एक वीडियो बनाया था उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली और यह भी मैंने कहा था कि इससे भी कम कट ऑफ रह सकती है इससे भी अगर किसी को कम नंबर आ रहे हैं पचास से भी कम नंबर आ रहे हैं तो भी आप तैयारी जारी रखना क्योंकि उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि अगर आरक्षण की पद्धति के तहत उन्होंने ऐसा माना कि अगर जनरल के बच्चे कम मिल गए तो फिर दूसरी कट ऑफ उसके बराबर रख दी तो संख्या ज्यादा में पास कर देंगे तो आपको तैयारी करनी हो सकता है आजकल के अंदर परिणाम भी जारी हो जाए तो और भी बढ़िया बात है कि केवल यह भी लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा कि आपको ग्राम सेवक की तैयारी करनी वैसे इस बार राजस्थान में ग्राम सेवक के बच्चे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे पे विश्वास किया ऑनलाइन कोर्स खूब खरीदा जिन्होंने प्री का ऑनलाइन कोर्स खरीद रखा है उनकी हमने वैलिडिटी पहले से ही एक साल तक बढ़ा रखी थी तो उनका कोर्स हटाया नहीं है तो उनको तो बहुत फायदा मिल गया क्योंकि वही सेम कोर्स है और वापस आपको रिपीट करना है हम कुछ उसके अंदर नई नई चीज़ें और जोड़ने का प्रयास करेंगे अब देखिए बात करते हैं इसमें ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती दो इक्कीस थी अब बाईस के अंदर पूरी हो रही है अब इसके अंदर क्या खास बात है पाठ्यक्रम योजना क्या है देखिए परीक्षा योजना पर ध्यान देना होगा विशेष रूप से परीक्षा योजना क्या अधिकतम अंक कितने हैं? अंक 100 होंगे दो घंटे होंगे और 120 प्रश्न होंगे जबकि प्रारंभिक परीक्षा थी उसके अंदर प्रश्न कितने थे आपके 100 प्रश्न थे अब देखो नकारात्मक अंकन किया जाएगा हाँ जी किया जाएगा एक नकारात्मक अंकन किया जाएगा जब दो तरह की परीक्षा हो एक में नकारात्मक अंकन नहीं हो दूसरे में नकारात्मक अंकन हो तो फिर हम कैसे करें दो तरह की परीक्षा हो एक के अंदर नकारात्मक अंकन नहीं एक तो ये हो जाए कि नकारात्मक अंकन नहीं होगा फिर दूसरी ऐसी है कि नकारात्मक अंकन होगा तो दोनों का प्लान अलग होता है दोनों के पढ़ने का तरीका अलग होता है दोनों का प्लान अलग होता है दोनों की परीक्षा देने का जो तरीका है वो भी क्या होता है अलग होता है इसमें देखिए नकारात्मक अंक नहीं है तो इसका शत प्रतिशत इसके अंदर अटेम्प्ट करना पड़ता है शत प्रतिशत इसके अंदर प्रश्न करने पड़ते हैं इसमें शत प्रतिशत प्रश्न नहीं करने होंगे ये विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है यहां पर क्या होता है यहां पर मेरिट में नहीं आना है देखिए मेरिट में नहीं आना है और उधर क्या है कि मेरिट में आना है देखिए मेरिट में आना है यहां यहां थोड़ी चिंता कम होती है यहां फिर यहां पर चिंता कम होती है कि तुक्के मार देंगे सही हो जाएगा और यहाँ पर चिंता थोड़ी सी ज्यादा होती है कि यहाँ पर तुक्के नहीं मार सकते अब आपको एक अच्छे प्लान के साथ में तैयारी करनी पड़ेगी यहाँ तो तुक्के मार दिए हो क्या पता चल जाए आपके लेकिन यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी परीक्षा कैसे देनी है पेपर कैसे देना इसके लिए तो वीडियो परीक्षा से कुछ दिन पहले ही हम लोग बनाते हैं तो आप लोग देख लेना अभी आपको तैयारी करनी है बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है जब प्री का पाठ्यक्रम पढ़ा है तो आपको वापस उसी को पढ़ना है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए देखिए कैसे तैयारी करनी है, इस पर देखते हैं समसामयिक राज्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य समसामयिक सरकारी विषय घटना है जो प्री का जो पैटर्न था उसमें कम प्रश्न इसके पूछे गए थे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए थे अब आप कहोगे सर वैसे वैसा, वैसा कंप्यूटर पूछा जाएगा वैसी वैसी गणित पूछी जाएगी क्या इस तरह के कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे क्या ये कोई फिक्स नहीं है हो सकता है कि मेंस का पेपर बहुत सरल आ जाए हो सकता है कि और ज्यादा कठिन आ जाए अब देखिए अगर उस तरह का पेपर पूछा जाता उस तरह का पेपर कठिन पूछा जाता है तो उस लेवल की तैयारी तो जनरली कोई करेगा नहीं क्योंकि राजस्थान में आप देखा होगा कोई विद्यार्थी यह नहीं कह रहा है कि मुझे तो सौ में से नब्बे कोई नहीं कह रहा है फिर सबके नंबर लगभग के इसके बराबर आ रहे तो फिर वो प्रश्न किसने अटेंड किए वो क्यों नहीं हुए ये सारी बातें तय करती है कि वे अटेंड नहीं हो पाते तो ऐसे प्रश्न के अनुसार हमें तैयारी नहीं करनी है हमें तैयारी करनी है कि जो पाठ्यक्रम दिया गया उसके अनुसार पढ़ना है पुराने जब जो भी अध्ययन सेवा चयन बोर्ड के जो भी पेपर हुए उसी पैटर्न के अनुसार पढ़ना एस का कैसा पेपर आया पटवार का कैसा पेपर आया और कोई भर्ती परीक्षा हुई उसके अंदर कैसे प्रश्न पूछे गए उस लेवल को देख करके पढ़ना अगर प्री के लेवल का पेपर अगर मेंस में बना दिया गया तो आपको सावधानी क्या रखनी होगी परीक्षा देते समय परीक्षा देते समय सावधानी बरतनी पड़ेगी कि इसमें अटेम्प्ट कम करने होंगे तो वो तो बाद की बात है पहले तो आपको क्या करना है पहले तो ये सारी चीजें देखनी है देखिए भूगोल पर वेटेज ज्यादा रखा गया 40 नंबर हम कहते थे भूगोल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 30-35 से करीब प्रश्न पूछे जा रहे हैं और भूगोल के जो भी प्रश्न पूछे गए बहुत आसान और लेवल के प्रश्न पूछे गए वर्ल्ड ज्योग्राफी के पे प्रश्न देख लीजिए उसमें बारे में प्रश्न पूछा गया तो यहाँ सीधा सीधा दिया विश्व की विस्तृत भौतिक विशेषताओं का प्रश्न आया महत्वपूर्ण स्थान पर्वत महासागर के प्रश्न भी पूछा गया तो इसके अंदर देखिए अगर आप इसको तैयार करते हो तो इस किताब का सारा ले सकते हो कौन सी भूगोल एक समग्र अध्ययन महेश कुमार बर्णवाल अच्छी किताब है शॉर्ट एंड स्वीट है इसके अंदर आप आप बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हो या फिर आप चाहते हो नहीं सर हम एन सी आर टी पढ़ेंगे तो एन सी आर टी पढ़ सकते हो और ऑनलाइन जिन्होंने कोर्स ले रखा उनको तो कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं पिछले एक भी सवाल उनके सर ने पढ़ाए उसमें से बाहर नहीं गया राजस्थान इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी तीनों के हमने पूरे पूरे स्क्रीन जारी किए थे वो इतने लेवल से पढ़ाते हैं कि ज्योग्राफी में कोई भी सवाल बाहर नहीं जाता तो आप देखिए भारत की पारिस्थितिक और वन्य जीव इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान का क्या है जलवायु मृदा जनसंख्या गरीबी मसलीकरण अकाल बेरोजगारी विस्तृत खंड और वनस्पति राजस्थान की पूरी पूरी ज्योग्राफी इसके अंदर दे रखी है आपने राजस्थान ज्योग्राफी पहले से तैयार कर रखी है उसके नोट्स बना रखे थोड़े से फैक्ट और पढ़ो तथ्य थोड़े से ज्यादा पढ़ो इस बार थोड़ा सा ध्यान दो कि तथ्यात्मक जानकारी थोड़ी सी ज्यादा पढ़े जैसे कृषि में प्रश्न आपने देखा होगा पूछा गया था कृषि के नवीनतम प्रकार पूछे जा रहे हैं ऐसे ही प्रकार संबंधित कितने हैं संख्या ज्यादा पूछ रहे हैं थोड़ा सा फैक्ट पर अध्ययन करो अच्छे तरीके से पढ़ो देखिए यहां आप अगर आप राजस्थान की कला संस्कृति के प्रश्न देखते हैं क्यों कला संस्कृत टॉपिक गया होगा ये जिला दर्शन जो मैंने पुस्तक लिखी है इस जिला दर्शन के अंदर अधिकतर प्रश्न पूछे गए आप ये छोटी किताब है शॉर्ट एंड स्वीट है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने लिखी इसलिए ही अच्छी है और भी किताबें मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी हैं लेखक जिन्होंने मेहनत करके लिखी वो अच्छी है ये मेरे खुद की नोट्स है जो इस किताब के अंदर शामिल किए गए आप देखिएगा इसके अंदर खूब प्रश्न पूछे गए तो कला संस्कृति का पार्ट आपके इसके अंदर पहले से आपने तैयार किया तो आप वापस इसी से ही तैयार करना अच्छे से प्रश्न लेवल के पूछे जा रहे हैं उसके बाद में राजस्थान खाद्य वाणिज्य फसल कृषि आधारित सिंचाई परियोजना नदी घाटी परियोजना मरुस्थल इंदिरा गांधी आई का देखो प्रश्न प्र... पूछा गया था कैसे लेवल से प्रश्न पूछे जाते हैं मतलब उसमें ये मिलान करना है कि कौन से जिले से संबंधित है और कौन से जिले से नहीं संबंधित है नदी से संबंधित प्रश्न आता है कि सहायक नदी इसकी है या नहीं है फसल से संबंधित प्रश्न आता है कि ये कौन सी फसल रब्बी की खरीफ की है पशुओं से संबंधित प्रश्न आता है कि ये नस्ल किसकी है इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं अर्थव्यवस्था के पूछे जा सकते हैं और भारत और तो राजस्थान के मुख्य स्मारक करते इतिहास और कला संस्कृति देखो यहां भारत के प्रश्न कहाँ पूछे गए मुगल काल और सल्तनत काल इस बार भी आप याद कर लो कौन से काल में ज्यादातर पूछे गए मुगल काल के पूछे गए सल्तनत काल के प्रश्न पूछे गए और अठारह की क्रांति के प्रश्न पूछे गए तो ऑनलाइन कोर्स जिन्होंने ले रखा है उनके अंदर हमें इंक्लूड करे तो आप लोग पढ़ लेना मैं इसके अंदर ये टॉपिक और शामिल जोड़ रहा हूं तो आप लोग देखिएगा उसमें नए नए टॉपिक सर ने कौन से जोड़े उसको आप लोग अपने नोट्स के अंदर शामिल कर देना क्योंकि ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो राजस्थान के मुख्य स्मारक साहित्य साहित्यकृति जनजातीय उनकी अर्थव्यवस्था बोलिया साहित्य साहित्य कृतियों पर साहित्य और कवि रचनाओं पर खूब प्रश्न पूछे गए और रचनाएं कैसी नवीनतम रचनाओं पर प्रश्न पूछे गए पुराना पेपर अपने पास में रखो हो सकता है कि कि उन्हीं पेपर पेपर सेटर को दे दिया जाए वापस आप बनाओ अब उनको ये पता तो चल गया जिन्होंने पेपर बनाया था कि मैंने कंप्यूटर वगैरह ये थोड़े कठिन बनाए हैं तो उनको इस बार निर्देश दिया जाए कि देखो ऐसे बनाओ ताकि बेजती भी नहीं हो अच्छा भी लगे नकारात्मकता ज्यादा नहीं फैले ऐसे भी बनाओ ज्यादा निराश भी तो नहीं करना है और कल ऐसे पेपर आप बना देते हो बाजार में सब लोग कहेगी ये क्या कर दिया इन्होंने इससे क्या था? सरकार के प्रति भी निराशा की भावना हो जाती है तो यहाँ सावधानी इस बार बरती जाएगी देखिएगा पेनोरमा की पुस्तक आती है राजस्थान इतिहास कला संस्कृति ये भी अच्छी आती है तभी मैं देख रहा हूँ सारी किताबें साथ में इंक्लूड कर रहा हूँ केवल यही नहीं कर रहा हूँ कि सब जो किताब आ, संकल्प द्वारा प्रकाशित है आपको भी पढ़नी ये भी पढ़नी है लोक देवता देविया इसके अंदर हस्तशिल्प मेले त्योहार रूडिया वस्त्र आभूषण ये सारी चीजें आपके अंदर इंक्लूड है इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार करिएगा आप देखिए इसके अंदर तर्क शक्ति विश्लेषण इसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो आप करिएगा गणित के अंदर देखिए पिछली बार तो गणित के सवाल पूछे गए ये अपना प्री हुआ इसके अंदर दस सवाल हो सकता है एक सौ बीस की है तो बारह या पंद्रह सवाल पूछे जाए प्रैक्टिस करो आप अच्छे तरीके से इंग्लिश के अंदर अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करो कोई अलग से इसके ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है हिंदी के अंदर ये प्रैक्टिस के लिए अच्छी पुस्तक आती है भवानी सिंह जी की तो हिंदी व्याकरण आप पढ़ लीजिए पूरे राजस्थान में सब जहाँ भी जाओगे आपको वहां पर मिल जाएगी अच्छी तरह से आप पढ़िए गणित के अंदर प्रैक्टिस करिए और इसके अलावा बात आती है यह जिला धा... जिला स्तरीय और तहसील पंचायत स्तर राजस्थान प्रशासनिक ढांचा इसको आप लोग तैयार करिएगा इसमें कहाँ पर पढ़ना है जैसे कोई भी सामान्य गाइड से आप पढ़ लेते पिछली बार राज्य प्रशासन से संबंधित ज्यादा प्रश्न पूछे गए राज्य व्यवस्था संबंधित राज्यपाल मुख्य रूप से विशेष रूप से मुख्यमंत्री राज्यपाल कहां पर है कौन से बने विधानसभा से संबंधित प्रश्न देखो यहाँ सब लिखा हुआ राज्य अच्छे से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेंगे तो देखिए कंप्यूटर के प्रश्न पिछली बार थोड़े कठिन थे हिंदी के प्रश्न कठिन थे आप थोड़ी प्रैक्टिस और अच्छे तरीके से करिए और अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो एक बेहतर प्लान के साथ आप तैयारी करोगे अभी आपको क्या करना है उन टॉपिक को छोड़ना जो आपके लिए बहुत ज्यादा सरल है आप उन टॉपिक पर ज्यादा समय दीजिए जो टॉपिक आपके लिए कठिन है जो आपके लिए कठिन टॉपिक है उस पर विशेष रूप से आप लोग क्या करें समय दे ज्यादा ज्यादा उस पर फोकस ज्यादा करें और उन पर ध्यान आप लोग ज्यादा दे एक प्लान बना लीजिएगा कि इतने 120 में से किसके कितने कितने प्रश्न आ सकते हैं तो 10 10 10 अगर छाटते हैं तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जैसे कंप्यूटर के कितने प्रश्न आने 10 प्रश्न आने ये पूछे जा सकते हैं इनके कितने प्रश्न ले लेते हैं इनके भी 10 प्रश्न आप लोग मान के चलिएगा हिंदी के कितने प्रश्न दस प्रश्न इंग्लिश के कितने प्रश्न दस प्रश्न टोटल कितने ये बीस प्रश्न तो ये हो गए तर्क शक्ति कितने प्रश्न तर्क शक्ति हम कहते हैं इसके भी दस प्रश्न तो ये हो जाएंगे आपके कितने दस बीस तीस चालीस और रीजनिंग के हो गए उसके फिफ्टी परसेंट ले ले तो से अधिक साठ साठ एक सौ बीस लगभग फिफ्टी परसेंट से अधिक ये छोटे छोटे विषय आपके क्या हो जाते हैं कवर हो जाते हैं तो इस तरह से अपने आप को तैयार करिएगा अच्छे तरीके से और आपके लिए हमने कोर्स रिकॉर्डेड तो उपलब्ध करवा दिया गया है आप लोगों की खूब सारी मांग है और आज महासैल रखी गई थी ऑफर के रूप में और राजस्थान के मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान का कोई विद्यार्थी पीछे रहा होगा खूब सारे विद्यार्थियों ने कुछ न कुछ जरूर प्रसिद्ध किया है किसी ने कॉन्स्टेबल कोर्स लिया किसी ने रीट का कोर्स लिया अभी फर्स्ट गेड आर ए सभी के कोर्स लॉन्च कर दिए गए क्योंकि राजस्थान के अंदर आ, संकल्प ने हमेशा यही आ, वादा किया था विद्यार्थियों के साथ हम बेहतर कंटेंट देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और उसी राह पर हम लोग चल भी रहे हैं आप लोग अगर चाहते हो कि मेंस के लिए हमारे ऑनलाइन लाइव बैच लगाया जाए जिसमें सारी क्लासें हमें लाइव मिले तो इसके लिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और भी आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना उस कमेंट के माध्यम से मैं आपके सवालों के जवाब जरिए दूँ और अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना ताकि सबको इसकी जानकारी मिले जय हिंद जय जे भारत